Hello everyone, this is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and nutrition educator, and my expertise in food as medicine. So, बहुत interesting topic पे ये video है कि diabetes के complications से कैसे बचे, क्या क्या points follow करें. तो मैं कुछ points आपको दे रहा हूं, ये points आपको definitely help करेंगे. क्योंकि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन में किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, आंखों का खराब होना, ब्रेन टिश्यूज का खराब होना, न्यूरोपैथी प्रॉब्लम होना, एक डर बना रहता है लाइफ टाइम कि अंदर से सब कुछ खराब ना हो जाए. तो ये कॉम्प्लिकेशंस जनरेट ना हो, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जनरेट ना हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं. प्लीज इन पॉइंट्स पे ध्यान दो और ऑलवेज एंड डेली इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो. फर्स्ट, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखो. आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट होना चाहिए. यह कैसे हो सकता है? वॉकिंग, योगा एंड स्ट्रेचिंग. अगर आप डेली वॉकिंग करते हो, योगा करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेस्ट रखता है. तो जब सभी ऑर्गन को सही से ब्लड मिलेगा तो उनकी हेल्थ बढ़ेगी, ऑर्गन हेल्दी होंगे तो कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे. ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सभी ऑर्गन के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखने हैं कि आपकी जो डाइट है वो सफिशिएंट न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए. विटामिंस, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड, ये तीन चीजें तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए. विटामिंस, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स एंड स्प्राउट्स. अगर आप इन फूड पे ध्यान देते हो, डेली इनको अपनी डाइट में रखते हो, तो ये फूड आपके ऑर्गन को हेल्दी रखते हैं और आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं. जो थर्ड पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. तो आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपके ऑर्गन को ऑलवेज हेल्दी रखते हैं. अगर हेल्दी ऑक्सीजन लेवल रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपकी ओवरऑल ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करेगा. जो फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स जा सकते हैं. जब डाइजेशन ही अच्छा नहीं होगा, जब सब चीजें खराब रहेंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो टॉक्सिन्स ब्लड में जा सकते हैं और वो टॉक्सिन्स आपके ऑर्गन को और डैमेज कर सकते हैं. तो आप जल्द से जल्द अपने कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हो. तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी आपको प्रोबायोटिक फूड पे ध्यान दो, वेजिटेबल्स पे ध्यान दो, फाइबर पे ध्यान दो, वाटर इंटेक पे ध्यान दो, पानी सफिशियंट पे हो, डाइजेशन अच्छा रहेगा. ये हुआ फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, आपको ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी है, जो ऑर्गन है, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए 24 आवर्स में. कैसे मिलेगा? अच्छी नींद लेके. क्योंकि आप जब भी सोओगे, जब भी नींद लोगे, तो ये नींद आपके सभी ऑर्गन को और बॉडी को और माइंड को और टिश्यूज को रिलैक्स करेंगी. और जब बॉडी रिलैक्स होगी तो उसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होगी, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचोगे. नेक्स्ट पॉइंट, जो सिक्स्थ पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि आप जो टॉक्सिन वाली चीजें हैं, सिगरेट, टबेको, एल्कोहल, टी जो एसिडिटी क्रिएट कर रही है आपको, इन सबको आप अवॉइड करेंगे. क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल बॉडी को डैमेज कर सकते हैं. आप जो भी फूड खाओगे, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट, जो भी फूड इंटेक करोगे, आपको ध्यान देना है कि वो कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है. अनहेल्दी फूड को हटाओगे, हेल्दी फूड को लोगे. क्यों? अनहेल्दी फूड आपके सिस्टम को हैवी करेगा, और जब सिस्टम हैवी होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन जल्दी आ सकते हैं. तो हेल्दी फूड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खाना खा रहा हूं वो हेल्दी है, वो आराम से डाइजेस्ट हो जा रहा है, मेरी बॉडी को लाइट रख रहा है. अगर वो अनहेल्दी है तो बॉडी को हैवी रखेगा. सो ये इजी पॉइंट्स है. आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दो, चीजें बेहतर रहेंगी. अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपके शुगर लेवल अच्छे होने चाहिए.
आपके ब्लड शुगर आपको ध्यान रखना है कि वो परफेक्टली कंट्रोल होने चाहिए। अगर आपके ब्लड शुगर परफेक्टली कंट्रोल रहते हैं तो भी आप कॉम्प्लिकेशन से बचोगे, लेकिन वो परफेक्टली कंट्रोल विदाउट मेडिसिन या बहुत लिमिटेड मेडिसिन के साथ होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लेके भी अगर कंट्रोल करोगे तो मेडिसिन आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेंगी, जिसकी वजह से ऑर्गन खराब हो सकते हैं। तो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखने हैं लिमिटेड मेडिसिन के साथ, बहुत ज्यादा मेडिसिन के साथ नहीं। सो ये पॉइंट्स हैं, इजी है फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, तो प्लीज इनको समझो, अपने आप को हेल्दी रखो, कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाओ। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज हुई है, आप परेशान हो, आपकी फैमिली परेशान है, कॉम्प्लिकेशन और हो गए ना, तो आपसे ज्यादा आपकी फैमिली परेशान हो गई। तो प्लीज टेक केयर। और अगर आप हमारा 1 ईयर का डायबिटीज डाइट एंड वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो या रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर वेलकम। इंडिया, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री से आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं कि कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे एनरोल करना है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बी हेल्थी।